टेरो कार्ड रीडिंग एक काफी अच्छा माध्यम है जिसमें कुछ स्पेशल कार्ड की मदद से किसी भी व्यक्ति के बीते हुए कल और भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। टेरो कार्ड को ज्योतिष शास्त्र का ही एक प्रकार माना जाता है। इस प्रक्रिया में नाम, जन्म तिथि और प्रश्न उत्तर के रूप में व्यक्ति के जीवन से जुड़ी गतिविधियों को जाना जा सकता है। लोकल 18 के साथ बातचीत में उत्तराखंड के ऋषिकेश में तपोवन पर स्थित माया इंटरनेशनल स्कूल की निदेशक और टैरो कार्ड रीडर माया बताती हैं कि कई बार हम परेशानियों की वजह से जिंदगी में फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। वही टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी इस उलझन को दूर करने का अच्छा तरीका है। ज्यादातर न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड साथ में किए जाते हैं क्योंकि हर व्यक्ति अपने जन्म से ही तिथि अनुसार एक नंबर लेकर आता है और वो नंबर उस व्यक्ति की जिंदगी में एक अच्छा भूमिका निभाता है। तो चलिए टैरो कार्ड रीडर से जानते हैं भविष्य के बारे में कि कार्ड्स कैसे भविष्य बताते हैं। टैरो कार्ड्स एक बहुत ही इंट्यूटिव टेक्निक है। कई बार क्या होता है, हम लाइफ में स्टक हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि क्या होता है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी बात है कि जो टैरो रीडिंग कर रहा है वो पर्सन सेंटर में होना चाहिए, बहुत इंट्यूटिव होना चाहिए। मीन्स अगर हम सिर्फ पैसे को लेकर सोच रहे होते हैं और हम टैरो लेके बैठ जाते हैं, कार्ड लेके बैठ जाते हैं कि हम रीडिंग कर रहे हैं, तो कई बार प्रेडिक्शंस गलत आते हैं। और टैरो का क्या है, दे ऑलवेज गिव नाइस गाइडेंस, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्रोसेस है। जब हम कार्ड स्प्रेड करते हैं तो बहुत सारे कार्ड्स हैं हमारे, तो उसमें से हम एक रेंडमली कार्ड पिक करते हैं जो भी हमें डिवाइन मैसेज आता है सामने वाले के क्वेश्चन के लिए, प्रश्न के लिए। तो वो जब हम उसको देते हैं और उसको हम बताते हैं कि ये कार्ड का मतलब क्या है, तो ताकि हमें क्या डिसीजन लेना है, और कभी हम समझ ही नहीं पाते कि किससे हेल्प लें। तो ऐसे में टैरो और न्यूमरोलॉजी का ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो हम जब करते हैं टैरो सेशन तो हम टैरो और न्यूमरोलॉजी दोनों को जोड़ते हैं, कंबाइन करके करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जन्म के अनुसार नंबर कैरी कर रहा होता है और वो नंबर उसकी लाइफ में ऑल द टाइम अच्छा एक रोल प्ले करते हैं। और टैरो से हम एक डिवाइन गाइडेंस से क्वेश्चन पूछते हैं और रेंडमली कोई भी कार्ड पिक करते हैं, तो वो कार्ड में एक मैसेज छिपा होता है जिसको टैरो रीडर ही पढ़ के बता सकते हैं।